हाय हेलो कोनिचुआ, आपका स्वागत है मेरे चैनल कवाई क्लिप्स में, जहां हर दिन मैं लाता हूं आपके लिए लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट एनिमे न्यूज। और आज के एनिमे से संबंधित मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है हमारे किन्नू कुमान एनिमे की। किन्नू कुमान परफेक्ट ओरिजिन आर्क एनिमे का न्यू विजुअल निकल कर आ गया है और एपिसोड 0 के साथ ये एनिमे शुरू होगा 7 जुलाई से। इस एनिमे का प्रोडक्शन कर रहा है प्रोडक्शन आईजी स्टूडियो। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है हमारे नियर ऑटोमाटा एनिमे की। नियर ऑटोमाटा वर 1 के कोड 2 का की विजुअल निकल के आ गया है और उसके साथ रिलीज हुआ है उसका पीवी। और इस एनिमे की भी ब्रॉडकास्टिंग शुरू होगी जुलाई से। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है हमारी ब्लू लॉक एनिमे की। ब्लू लॉक एनिमे का सेकंड सीजन का न्यू टीजर विजुअल एंड टीजर पीवी रिलीज हो गया है। इस एनिमे की ब्रॉडकास्टिंग शुरू होगी अक्टूबर 2024 में और इसके स्टूडियो का नाम है 8-bit स्टूडियो। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी बैटमैन निंजा एनिमे की। बैटमैन निंजा एनिमे का सीक्वल अनाउंस हो गया है जिसका टाइटल है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग। अधिक जानकारी 4 जुलाई को मिलेगी एनिमे एक्सपो में। टावर ऑफ गॉड एनिमे के सेकंड सीजन में 24 एपिसोड होने वाले हैं और इसके 2 कोर होंगे, जिसमें सबसे पहले कोर में 11 एपिसोड्स होंगे और दूसरे कोर में 13 एपिसोड। जुजुत्सु काइसान मांगा बन चुका है सबसे ज्यादा बिकने वाला मांगा 2024 का, पछाड़ते हुए वन पीस, फ्रेरन और कुछ और जाने माने मांगास को। फ्रेरन बियॉन्ड जर्नी एंड रियल एस्केप गेम का अनाउंसमेंट हो गया है और इस गेम में हमें फ्रेरन का रेस्क्यू करना होगा। ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट मांगा एंड होने वाला है 3 मांगा चैप्टर्स के बाद। अपोथिकेरी डायरीज मांगा आर्टिस्ट नेको कुरागे ने सबके सामने आके स्वीकार करा है कि उन्होंने 47 मिलियन येन तक का टैक्स नहीं भरा है। नेटफ्लिक्स माइनक्राफ्ट के 15वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक माइनक्राफ्ट एनिमेटेड सीरीज जल्द ही रिलीज करने वाला है, जिसमें हमें ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिले की साथ में न्यू कैरेक्टर्स भी और माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की खूबसूरती भी। अगली न्यूज है हमारी वन पीस एनिमे की। वन पीस के क्रिएटर एचिरा ओडा ने बिग मॉम और काइडो की एक नई इलस्ट्रेशन बनाई है और उसके साथ साथ न्यूज है कि उस सब के वॉइस एक्टर जिनका नाम है कप्पे या गगुची हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं सर्जरी के लिए। उनके ट्वीट के मुताबिक उनको कंधे में चोट लग गई है वेट लिफ्टिंग करते हुए। आज की लास्ट न्यूज है हमारी काकेगुरी एनिमे की। नेटफ्लिक्स काकेगुरी का लाइव एक्शन सीरीज बना रहा है जिसका टाइटल बैट रखा गया है। ये लाइव एक्शन सीरीज मांगा बेस्ड होने वाली है और इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो गाइज, आज के एनिमे से संबंधित मुख्य समाचार यहीं पे खत्म होते हैं, पर हम फिर कल मिलेंगे विद न्यू एंड एक्साइटिंग एनिमे न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप सब सही सलामत रहें एंड खूब एनिमे देखें।